सो इफ यू हैव टू चूज विद इन ऑल दीज गार्डन्स आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड जो इस हाउस बोट को मैनेज करते हैं उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया. मेरे आने से पहले ही उन्होंने मुझसे बात की और मेरे आने से पहले ही पूरे रूम को मेरे रूम को हीट करके रखा है क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, बाहर का टेम्परेचर थोड़ा कम है. बट दिस वॉज अ रियली गुड जेस्चर. पानी के बीच में एक तरीके से पूरा इकोसिस्टम है, या मैं कहूँ इकोनॉमी है पूरी की पूरी. मेरे पीछे की तरफ शंकराचार्य टेम्पल है. तो दिन नून चाय पीने के बाद और अब हम निकल रहे हैं वापस से पहलगाम से श्रीनगर की तरफ. श्रीनगर में मैंने अपनी एक हाउस बोट बुक कर दी है तो सीधे यहाँ से जाते हैं हाउस बोट की तरफ और आज शाम हाउस बोट में ही बिताते हैं. तो जी हम पहुँच गए हैं श्रीनगर में और इस वक्त अब हम आ गए हैं लाल चौक के पास बने सेंट्रल मार्केट के पास. ये कौन सा मार्केट है भैया? ये मार्केट कौन सा है? ये लाल चौक का है. ये लाल चौक मार्केट है? लाल चौक का. अच्छा, ये यहाँ का मेन मार्केट है? मेन मार्केट है. तो ये है जी लाल चौक का मेन मार्केट कश्मीर का या श्रीनगर का. और ये इस मार्केट को जाना जाता है. ये किस चीज़ के लिए फेमस है, क्या क्या मिलता है यहाँ पर? हर चीज़ मिलती है, कपड़े है, रजाई है, कंबल है, जो भी मेन सामान लेना है वो मिलता है. अच्छा, तो लोकल लोगों के लिए भी यही यहीं से खरीदारी होती है? कहीं से खरीदारी होती है? अभी यार लोकल से बात करके पता लगा कि आज संडे है और संडे को मेजरली मार्केट यहाँ बंद रहता है. तो अभी के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं. फिलहाल हम जाते हैं सीधे शालीमार गार्डन, पता करते हैं वो भी ओपन है या नहीं है. अगर ओपन होता है तो शालीमार गार्डन जाते हैं, शालीमार गार्डन देखते हैं एंड देन फिर अपनी हाउस बोट के अंदर जाते हैं. तो जी अब हम आ गए हैं मुगल गार्डन या शालीमार गार्डन. श्रीनगर में कई गार्डन्स हैं जो लेक साइड पे दो दो किलोमीटर के डिस्टेंस पे बने हुए हैं. शालीमार बाग भी या शालीमार गार्डन भी उन्हीं गार्डन्स में से एक है. शालीमार की तरफ आते ही बीच में पड़ता है निशात गार्डन, वो भी मुगल गार्डन्स की सीरीज में से ही एक और गार्डन है जो श्रीनगर में. बहुत सारे ऐसे गार्डन्स हैं जिनको आप देख सकते हैं या आ सकते हैं. वी चोज टू और थ्री ऑफ देम. It's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. यार ये सारे गार्डन्स बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन्ड हैं. हाउएवर दे आर वेरी मच लाइक नॉर्मल गार्डन्स, सो आप चूज एंड पिक एंड चूज कर सकते हैं इन गार्डन्स में से. For me, my personal favorite has been Pari Mahal because it has a history, it is beautiful and it offers absolutely amazing views of the city of Srinagar and of the Dal Lake. So if you have to choose within all these gardens, I would definitely recommend कि आप Pari Mahal जाएं. मुझे बहुत अच्छा लगा Pari Mahal. हालांकि ये garden भी बहुत अच्छा है, you can spend some relaxing time here, but nothing like you know extraordinary. Bye you. So hold me tight through the night. और अब वक्त हो गया बीच डल लेक में मौजूद अपनी हाउस बोट में जाने का, जिसके लिए हमें बोर्ड किया ये हाउस बोट का शिकारा. सो अब हम पहुंच गए फाइनली अपनी हाउस बोट के अंदर और ये हाउस बोट डल लेक के अंदर है. पार्क वगैरह घूमने के बाद थोड़ा अंधेरा हो गया तो मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे कैमरे में नाइट शूट इतना अच्छा नहीं हो पाता. बट नाउ अब हम पहुंच गए हैं तो मैं आपको एक क्विक टूर देता हूं इस हाउस बोट का. सो दिस इज़ फ्रॉम द स्वान ग्रुप ऑफ हाउस बोट्स. दिस इज़ व्हेन वी एंटर द हाउस बोट. दिस इज़ द कॉमन सिटिंग एरिया विच कम्स. There are a total of 4 rooms in this houseboat. This whole boat has a very rustic charm. It is of a different quality.
रेगुलर होटल स्टाइल नहीं है, बट ये एक अलग ही होमली फील देता है। दिस इज़ दी डाइनिंग एरिया वेर यू कैन डाइन आउट। हाउएवर जिस बोट में अभी मैं यहाँ रुका हूँ, दे हैव अ सेपरेट डाइनिंग एरिया, बट चूंकि बोट्स के अंदर रेगुलर कंस्ट्रक्शन में डाइनिंग एरिया होता है, तो दिस डाइनिंग एरिया इज़ डेफिनेटली हियर। बाकी साथ में इन लोगों का एक कॉमन डाइनिंग एरिया बना हुआ है जहाँ पे ब्रेकफास्ट और डिनर सर्व करते हैं। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द रूम्स। हाउस बोट के इन तंग गलियारों से निकलते हुए बिल्कुल टाइटैनिक जैसी फील आ रही है। हालांकि जैसे यहाँ पे एंड में थोड़ा सा अंधेरा होता है क्योंकि हमारा रूम लास्ट में है, तो थोड़ा डरावना सा भी लगता है। तो ये है जी यहाँ का रूम। यहाँ के जो ओनर हैं या जो इस हाउस बोट को मैनेज करते हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया। मेरे आने से पहले ही उन्होंने मुझसे बात की और मेरे आने से पहले ही मेरे रूम को हीट करके रखा है, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, बाहर का टेम्परेचर थोड़ा कम है। बट दिस वॉज़ अ रियली गुड जेस्चर। ही कॉल्ड मी हाफ एन आवर और वन आवर बैक व्हेन आई वाज कमिंग एंड ही आस्क्ड मी अबाउट द टाइम एंड ही टोल्ड मी कि मैं आपके रूम का हीटर ऑन करके रखता हूँ सो दैट आपको कंफर्टेबल स्टेट में मिले रूम। बात करें रूम की, तो दिस इज़ दी ओवरऑल रूम, हाउ इट लुक्स लाइक। दिस इज़ टोटली मेड अप ऑफ वुड। इसके अंदर बेसिकली आपको यहाँ पे एक सिटिंग एरिया मिल जाता है। This is the heating unit. This is one of the key features of this boat which I liked and he also told me about. Generally hotels के अंदर आपको blowers या छोटे plastic के electric blowers दिए जाते हैं, but they have got a proper heating unit in here which is good. दो queen size beds हैं, although this room is meant for two people or maximum of three people, but yes, if you are traveling with kids, आप अपने बच्चों को comfortably दूसरे bed पर सुला सकते हैं। One thing which is missing is they do not give water bottles, so you have to pay and purchase water bottles, which is okay, you can purchase that, but maybe isko include bhi kar diya jaye to it is far better. However, not such a daunting thing. Coming to the bathroom area, this is the dressing area which they've got, and dressing area se nikal ke hum log bathroom mein aa jate hain. Bathroom ke andar this is the bath area jahan pe bathtub fit kara hua hai aur shower ki availability hai. So this is the quick tour of the inside of the room, how it looks like. Now I'll take you to the dining area and the outside area of this houseboat. Batata hu experience kaisa rehta hai yahan ka. So abhi hum lunch karne ke liye jaate hain, dinner karne ke liye jaate hain. So dinner karke hum log aa gaye hain abhi, aur this is the outside sort of a patio where you can sit, aur यहीं पे बोट के ऊपर ही काफ़ी लोग आ जाते हैं जो अपने चीज़ों को आपको सेल आउट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ये रखी लाइक दिस, सो यू कैन परचेज सच थिंग्स फ्रॉम हेयर। और इसके अलावा रेगुलर शॉल और सूट और पश्मीना, आई डोंट नो इफ इट इज रियल और नॉट, वो आ जाते हैं। बट देन ये सब तो कर ही सकते हैं, पर साथ ही साथ पीछे लेक का बड़ा अच्छा व्यू है जो एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी रात को मैं थोड़ा इस व्यू को एंजॉय करूँगा, रिलैक्स करते हैं यहाँ पे, और सुबह सनराइज़ के टाइम पे भी दिखाता हूँ आपको कि कैसा रहता है, हाउ इज़ इट लाइक टू लिव इन अ हाउस बोट फॉर अ डे। गुड मॉर्निंग एवरी वन। आफ्टर अ रिलैक्सिंग नाइट, मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ फॉर अ क्विक सनराइज़। और जहाँ मेरी हाउस बोट है उसी के पास में इस तरीके का एक छोटा एक पाथवे बना हुआ है, सो जस्ट कम अलॉन्ग वॉकिंग ऑन दिस एंड ट्राइंग टू गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ दिस लेक। पीपल हैव स्टार्टेड विद देयर डेली जॉब्स, सो यहाँ के जो लोकल्स हैं, यहाँ के लोग हैं, दे हैव स्टार्टेड। सो वाइल सम पीपल हैव स्टार्टेड देयर डेली जॉब्स, कुछ लोगों ने चेकआउट करना स्टार्ट कर दिया, प्रॉब्ली दे हैव अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स और समथिंग। पानी के बीच में एक तरीके से पूरा इको सिस्टम है, या मैं कहूँ इकोनॉमी है पूरी की पूरी,
यहाँ होटल्स भी हैं, लोग रहते भी हैं, उनकी दुकानें भी हैं, पूरा मार्केट भी है, सब्ज़ी भी उगाते हैं। सो दिस जस्ट अबाउट एवरीथिंग एंड इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये सब। बैकग्राउंड से कहीं यहाँ एक तरफ से मुझे मॉस्क में शायद जो भी नमाज की टाइम है उसकी आवाज़ आ रही है, और दूसरी साइड मेरे पीछे की तरफ शंकराचार्य टेम्पल है, वहाँ से मुझे भजनों की आवाज़ भी आ रही है। सो गाइस, दिस इज़ ऑल फ्रॉम द हाउस बोट्स ऑफ कश्मीर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through.